क्वेश्चन नंबर वन, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, आपके पास गिवन है एक प्लेन मिरर है और उसके ऊपर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली पड़ती है, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर पड़ती है, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती है, देन दैट रे रिट्रेस द पाथ एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 डिग्री, क्योंकि इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मली पड़ रही है मतलब एंगल आई जीरो आ रहा है तो आर भी 0 होगा, सो वी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू, द इमेज फॉर्म बाई अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज फॉर्म हो रही है कनकेव मिरर के द्वारा वो वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट और लार्जर इन साइज है देन ऑब्जेक्ट, तो हम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो इन दैट केस वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, सो हेयर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो ये कनकेव मिरर ले लिया, ये किसका फोकस हो गया और दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस किया, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली गई, दूसरी मैंने रे ऑफ लाइट पोल पे डाली आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरफ चली जाएगी, ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी, जब हम इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड पीछे की तरफ बढ़ाएंगे दे अपीयर टू मीट ए पॉइंट, सपोज दैट इज ए डैश बी डैश, सो ए डैश बी डैश बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए बी एंड इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड अनलार्ज दैट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। क्वेश्चन नंबर थ्री, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी, अगर आप किसी मिरर के इन फ्रंट खड़े हो और ऑलवेज आपकी जो इमेज जो है उस मिरर के द्वारा वो इरेक्ट बनती है तो वो किस तरह का मिरर होगा, दैट इज कन्वेक्स मिरर, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है वो ऑलवेज इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर, रे फ्रॉम द सन कन्वर्जेस एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो रे आ रही है सन से वो कन्वर्ज हो रही है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से, तो हम जो ऑब्जेक्ट को है उसको हम कहाँ पे प्लेस करें जिसके कारण जो इमेज बने वो सेम साइज की हो। इस क्वेश्चन में रे ऑफ लाइट जो है कन्वर्ज हो रही है 10 सेंटीमीटर के ऊपर, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लिखते हैं तो सेम साइज ऑफ इमेज बनती है, सो यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कनकेव मिरर मे बी, जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो करता है कनकेव मिरर वो हमारे पास लेस देन 1 और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 हो सकती है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, जो मैग्निफिकेशन होती है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इट इज ऑलवेज लेस देन 1, सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।